हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद मटर, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, जो बहुत ही इजी होता है बनाने में। तो आइए मेरे किचन में चलते हैं। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया और मैं उसमें डाल रही हूँ तेल। इसमें एक चम्मच तेल डाली हूँ, आधी प्याज, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ साथ में प्याज के। ये 250 ग्राम यानी कि पाव किलो सफेद मटाना है, मैंने इसको भिगा कर रखा था, तो इसको अभी मैं बना रही हूँ। तो प्याज हमारा लाल हो गया है, देखिए यहाँ पर प्याज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। मैं साथ में ये मटर डाल दे रही हूँ जो मैंने इसको भिगा कर रखा था। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐसी जीरा डाल दे रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। एक बड़े साइज का टमाटर मैंने कट किया है, वो डाल रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च, मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आपको चाहिए। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस ये समझिए ये हो गया इसमें, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आधा गिलास तक, और ढक्कन को बंद कर रही हूँ। देखिए मैंने आधा गिलास पानी इसमें डाला है। और मसाला, अगर आपको मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है या कोई भी मसाला पसंद करता है तो उसमें थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। ये मैंने एकदम प्लेन बना रही हूँ और मैं इसको ढक्कन को बंद करती हूँ। 2 से 3 सीटी में ये हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख लीजिए ये हमारा बनकर रेडी हो गई है, जो बहुत ही यमी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। इसको मैंने 2 से 3 सीटी करके, 3 सीटी करके मैंने इसको बंद कर दिया था, उसका पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है, तो मैंने इसको निकाला है। तो ये देखिए ये इस तरह से कुछ बनकर रेडी हो गई है। और अभी मैं इसको निकाल के, तो अभी मैं इसे मिलाऊंगी चाट मसाला, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ सर्व कर। तो देख लीजिए ये हमारी मटर बनकर रेडी हो गई है, जो बहुत ही यमी लग रही है और बहुत ही टेस्टी भी बनी हुई है। तो आप भी ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिए। मैंने इस पर नींबू डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला डाला है। तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इस पर कांदा भी मिला डाल सकते हैं, बारीक बारीक टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इसमें ऑलरेडी डाल दिया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। वैसे अभी डालना चाहे तो वापस से डाल सकते हैं, जो और भी मज़ेदार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आप भी ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।